इस वजह से बॉलीवुड डायरेक्टर के साथ काम नहीं करेंगी आलिया भट्ट। बाहुबली सीरीज फेम डायरेक्टर एसएस राजामौली इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म ट्रिपल आर के लिए एक्ट्रेस की तलाश कर रहे हैं। फिल्म में 3 एक्ट्रेस को कास्ट करना है। खबरें आई थी कि राजामौली आलिया भट्ट को कास्ट करने की योजना बना रहे हैं। इसके लिए उन्होंने आलिया को भारी भरकम फीस देने की भी बात कही थी, लेकिन अब चर्चा है कि आलिया एक के बाद एक प्रोजेक्ट्स में बिजी होने के कारण इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर पा रही हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार आलिया के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स का शेड्यूल बहुत टाइट है, जिसकी वजह से उन्हें राजामौली की फिल्म को छोड़ना पड़ रहा है और वो अभी और बाद में लगातार कई फिल्मों में काफी बिजी हैं। आलिया को कलंक फिल्म का भी प्रमोशन करना है, इसके साथ ही वो सड़क 2 की भी शूटिंग करेंगी। फिर वो मल्टी स्टार फिल्म तख्त में भी जुटेंगी। इसके अलावा उनकी अश्विनी अय्यर तिवारी से एक फिल्म के लिए बात भी चल रही है। बता दें कि राजामौली को ट्रिपल आर के लिए जल्द से जल्द 3 फीमेल लीड को कास्ट करना है, क्योंकि फिल्म के अगले शेड्यूल की शूटिंग कोलकाता में करनी है। यहां पर उनकी फिल्म की शूटिंग करीब 45 दिनों तक चलेगी। फिल्म में जूनियर एनटीआर और रामचरण मुख्य रोल में है। फिल्म का बजट 300 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। आलिया भट्ट की अपकमिंग फिल्म कलंक है, ये 19 अप्रैल को रिलीज होगी और इसका निर्देशन कर रहे हैं अभिषेक वर्मन। इसमें आलिया भट्ट के अलावा संजय दत्त, वरुण धवन, सोनाक्षी सिन्हा, आदित्य रॉय कपूर, माधुरी दीक्षित जैसे एक्टर्स हैं और सभी का लुक भी रिलीज हो चुका है।